नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार। दर्शकों, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को 10 दिन हो चुके हैं और देश दुनिया के बाजारों पर, अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर प्रभाव जो है बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को यानी 4 मार्च 2022 को बम्बई शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स इस दिन 768.87 अंक गिरकर 54,333.81 अंक पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 252.70 अंक की गिरावट आई और यह 17,000 अंक से नीचे 16,245.35 अंक पर बंद हुआ। बाजार में यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों को नुकसान की खबर से तेज गिरावट आई थी, लेकिन बाद में जब यह समाचार आया कि यह नुकसान सीमित है तब बाजार कुछ उबड़ गए, लेकिन फिर भी इतनी गिरावट बाजार में रही है। पूरे सप्ताह की अगर हम पिछले सोमवार से और शुक्रवार तक की बात करें तो BSE सेंसेक्स में 2.7% और निफ्टी में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार आखिरी दिन शुक्रवार को विदेशी संस्थानों ने भारतीय बाजारों में 7,631 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विदेशी संस्थान जब भी भारतीय बाजारों में शेयर बेचते हैं तो वह एक तरह से डॉलर की निकासी करते हैं और भारतीय बाजार से अगर डॉलर की निकासी होती है तो उसका हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है, रुपए पर दबाव बढ़ता है और यही वजह है कि शुक्रवार को एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 23 पैसे की गिरकर 76.17 रुपये पर आ गई। यानी एक डॉलर के लिए रुपए का जो भाव है वो 76.17 रुपये पर पहुंच गया। इस सप्ताह के दौरान जो पिछला सप्ताह बीता है रुपए में कुल मिलाकर 84 पैसे की गिरावट आ गई है और इस गिरावट का रुपए पर जो है काफ़ी असर है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर पड़ता है तो उससे हमारा आयात महंगा होता है और निर्यात रुपए में अगर हम निर्यात की गणना करेंगे तो वो सस्ती पड़ जाती है। इसलिए रुपए के कमज़ोर पड़ने से हमें आयात पर जो है उसका दबाव बढ़ता है। आयात अगर महंगा होगा तो उसका हमारे देश के जो माल है, जो तमाम उत्पाद यहाँ बनाए जाते हैं उन पर असर पड़ता है, वो महंगी हो जाती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के लंबा खींच जाने से बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का जो दाम है वो $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया और ये 9 साल के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार को यह $113 तक पहुंच गया था। कच्चे तेल का जो है हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। कच्चे तेल के आयात के बाद यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस और LPG तमाम तरह के जो ईंधन है उन पर उनको बनाया जाता है और अगर ये महंगा आयात होगा तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा, गैस के दाम महंगे होंगे, माल की ढुलाई महंगी हो जाएगी और कुल मिलाकर जो है महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई अगर बढ़ती है तो रिजर्व बैंक के लिए महंगाई को नियंत्रण में लाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। रिजर्व बैंक के लिए एक तरफ महंगाई को नियंत्रण करना है तो दूसरी तरफ उसे जो देश में GDP की वृद्धि है उसको भी बनाए रखना है। GDP की वृद्धि उच्च स्तर पर रहे यह रोजगार की दृष्टि से, देश में तमाम आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होगी तो महंगी होने के बाद उनकी मांग कुछ कमज़ोर पड़ सकती है और मांग कमज़ोर होगी तो उत्पादन पर भी उसका असर होगा, उत्पादन भी थोड़ा धीमा पड़ सकता है, उसकी रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और कुल मिलाकर जो आर्थिक वृद्धि है उस पर इसका असर पड़ सकता है। आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो जो चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़े सामने आए हैं जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि 5.4% रही है और इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-22 में आर्थिक वृद्धि पूरे साल के दौरान जो 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था वो 9% से कम रह सकता है। आर्थिक क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक अर्थव्यवस्था को और समर्थन दिए जाने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां तेज हों, मांग बढ़े, उत्पादन बढ़े और उसका जो है रोजगार के अवसर बढ़े ताकि जो है लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदें और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तेज गति से आगे बढ़े।
चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में जो वृद्धि रही है वो 20.3% रही है, क्योंकि पिछले साल इस दौरान काफ़ी गिरावट आई थी, जीडीपी में गिरावट आई थी, तो उसके बाद अब जब गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी तो गिरावट में एकदम उछाल आया और पहली तिमाही में वृद्धि 20.3% रही, दूसरी तिमाही में 8.5% रही और तीसरी तिमाही में 5.4% का ताज़ा आंकड़ा जारी हुआ है। चौथी तिमाही जनवरी 2022 से मार्च 2022 में अब क्या आंकड़े आते हैं, उसके बाद पूरे साल की जो तस्वीर है कि पूरे साल में आर्थिक वृद्धि कितनी रही है उसका उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, और तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो मई 2022 के अंत तक ही आ पाएंगे। फिलहाल रिजर्व बैंक इस पर स्थिति पर नज़र रखे हुए है और उसके सामने मूल्य वृद्धि का और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन रखने की जो है बड़ी चुनौती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फरवरी में माल एवं सेवा कर प्राप्ति के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सुकून देने वाले हैं। फरवरी 2022 में देश में कुल 1,33,026 करोड़ रुपए की जो माल जीएसटी की माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की जो प्राप्ति हुई है, और ये पांचवा महीना रहा है जब जीएसटी प्राप्ति 1,30,000 करोड़ रुपए से ऊपर रही है। और फरवरी 2022 में जीएसटी की यह प्राप्ति एक साल पहले फरवरी के मुकाबले 18% और फरवरी 2020 से अगर तुलना करें तो इसमें 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी में जितना अच्छा राजस्व प्राप्त होगा तो राज्यों को भी फायदा होगा और केंद्र को भी फायदा होगा, उनके राजस्व की स्थिति में सुधार होगा। फरवरी 22 में 1,33,026 करोड़ रुपये, जनवरी 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपये और उससे पहले दिसंबर 2021 में 1,29,780 करोड़ रुपये, नवंबर 2021 में 1,31,526 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में सरकार को प्राप्त हुए हैं। और अगर हम अप्रैल 2020 की, जब कोरोना अपने चरम पर था, अप्रैल 2020 में अगर जीएसटी की बात करें तो तब अप्रैल 2020 में सिर्फ 32,172 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे, और मई में 2020 में 62,151 करोड़ रुपये, जून 2020 में 90,917 करोड़ रुपये। जो जो कोरोना की स्थिति काबू में आती चली गई, हमारा जीएसटी संग्रह भी बढ़ता चला गया, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती चली गई, और ये 2021-22 पहला साल होगा जब हमारा निर्यात 400 अरब डॉलर के आंकड़े को छू लेने का जो है उम्मीद जताई जा रही है, और ये हमारा 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य अब 26 अरब डॉलर दूर है। अगर मार्च में हम 26 अरब डॉलर का निर्यात कर लेते हैं तो जो 2021-22 में उसमें कुल मिलाकर हम 400 अरब डॉलर का निर्यात का आंकड़ा छू लेंगे। ये हमारा पहला मौका होगा जब हमने 400 अरब डॉलर का निर्यात किया होगा। इससे पहले 2018-19 में सबसे ज़्यादा 330 अरब डॉलर का निर्यात देश से किया गया था। हालांकि इस दौरान आयात भी बढ़ रहा है, आयात भी हम एक तो आयात महंगा हो रहा है, ऊपर से आयात चीज़ें जो है बढ़ रही हैं आयात की, और आयात का आंकड़ा 550.12 अरब डॉलर अप्रैल से फरवरी तक का जो आंकड़ा है, तो हमारा आयात जो है 550.12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई का असर हमारे जो पब्लिक इशू का बाजार है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो निर्गम आते हैं पूंजी बाजार में, उस पर भी देखा जा रहा है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO लाने की जो तैयारी की थी उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखा जा रहा है। मार्च में सरकार इसको लाने वाली थी लेकिन अब बाजार की उठापटक के बीच जो है ये संशय बना हुआ है कि IPO आएगा कि नहीं आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण IPO है, इससे सरकार को 60,000 से 65,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी, ताकि सरकार का जो सरकार के राजस्व की प्राप्ति है उसका जो बजट में जो तय किया गया अनुमान उसको हासिल किया जा सके। फिलहाल यह देखना है कि IPO आ पाता है कि नहीं आ पाता है, अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। फिलहाल इतना ही, आप हमारे इस वीडियो पर अपने सुझाव दीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है। धन्यवाद।